आत्मा में रहे हुए परम आत्मस्वरूप को जगाने वाली जिन वाणी अरहत वितराग परमात्मा और आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव को भावमय वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन धर्म को जानने वाले लोग इस पूरे जगत में बहुत अल्प है, बहुत थोड़े हैं। जिन्होंने जिन धर्म को जाना है, जानना भी कई स्तरों पर होता है। एक होता है बौद्धिक स्तर पर शब्दों के द्वारा जानना, एक होता है संस्कारों के द्वारा जो मान्यताएं हमें मिली है उनको मानना और उनको फॉलो करना, और तीसरा होता है एक रिसर्च तरह इस सब्जेक्ट को पढ़ना और पढ़ करके कुछ कंक्लूजन निकालना, और चौथा होता है इसको जीते हुए जानना। जो जानता हुआ जीता है और जीता हुआ जानता है वह व्यक्ति स्वयं जिन हो जाता है। जो जिन धर्म को जानता हुआ जीता है और जीता हुआ जानता है वह एक दिन स्वयं ही जिन हो जाता है। और जब वो जिन होता है तो वही व्यक्ति कह पाता है कि बहुत सरल है ये सारा धर्म, और न केवल ये धर्म बाकी दुनिया में जितने भी धर्म हैं हर धर्म अपने अपने विकास की यात्रा में रहे हुए पड़ाव है। विकास की यात्रा में जिसने जितना यात्रा तय की, जहाँ पड़ाव किया उसने वहाँ तक के सत्य कहे हैं, और जो पूर्ण हो जाता है उसका जो सत्य है वह सब सत्यों को अपने में समेटे हुए है, लेकिन वह सर्वार्थ सत्य जो है वह है आत्मा ही परमात्मा है। सर्वार्थ सत्य बात यह है कि आत्मा ही परमात्मा है, बाहर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म भी भीतर है, कर्म भी भीतर है, बंधन भी भीतर है, मोक्ष भी भीतर है। बंधन भी भीतर है और मोक्ष भी भीतर है, यह उद्घोषणा जिन धर्म में हुई। जिन्होंने जाना उन्होंने कही कि बंधन भी भीतर है, मोक्ष भी भीतर है। और जो लोग इस स्तर पे नहीं जानते वे सब यही कहते रहते हैं, ये करोगे तो कर्म बंधेंगे, वो करोगे तो कर्म बंधेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब वे करने में कर्म बंधन जो कहते हैं, फिर पूरी दुनिया की दृष्टि इस पे चली जाती है कि ये करें या नहीं करें, और इस समय में ये करें, किस समय में ये ना करें। अब जिस समय कहा गया ये मत करो तो अगले समय में अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब भी करें या ना करें। अब करने में बंधन है अथवा नहीं है, इस कल्पना ने इतने सारे शंकाएं, इतने सारे प्रश्न खड़े कर दिए कि युगों युगों से हर व्यक्ति जो धर्म के नाम पर व्याख्याएं करता है वह लोगों को इस तरह का अनुशासन दिया करता है कि इन नियमों को पालन करते हो तो धर्म है, इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो कर्म बंधन है। तब आदमी नियमों में कर्म बंधन और नियमों से कर्म का हटना इस सोच में पड़ जाता है, और तब एक सवाल पैदा होता है कि आपके पास आते हैं, आप ये वाले नियम देते हो, जैसे सपोज मुँह पत्ती बांधने वाले साधु के पास गए तो उसने कहा मुँह पत्ती नहीं बांधो तो कर्म बनते, और जो मुँह पत्ती नहीं बांधने वाले साधु के पास चले गए तो वो तो मुँह पत्ती की बात ही नहीं उठाता, वो तो कहता ही नहीं कि तुम मुँह पत्ती बांधो, और मुँह पत्ती नहीं बांधोगे तो कर्म बन जाएंगे। तो आदमी तो सदा कन्फ्यूज ही रहेगा ना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, किसको कर्म बंधन मानना किसको कर्म बंधन नहीं मानना, वो तो सदा कंफ्यूज रहेगा। तो पुराने जमाने में कहा गया कि अपने बाड़े को छोड़ करके, अपनी संप्रदाय अपने पंथ को छोड़ करके कहीं और ना जाओ ना सुनो, सुनोगे तो भी मिथ्यात्व लग जाएगा। अब सुनोगे तब भी मिथ्यात्व लग जाएगा मतलब क्या, कि उनको सुनोगे तो दिमाग में प्रश्न पैदा हो जाएंगे, और प्रश्न पैदा हो गए यदि शंका पैदा हो जाएगी, और शंका पैदा हो जाएगी तो संकेत का दूषण शंका लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर देख लो, तो लोगों ने मान लिया बिल्कुल बात सही है। दूसरों को सुनेंगे तो शंका पैदा होगी, शंका पैदा होगी तो शंका नाम का दूषण लग जाएगा, और शंका नाम का दूषण आ गया तो सम्यक तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें दूसरों को सुनना ही नहीं, इसीलिए पहले के लोग भी और आज के लोग भी इस बात का बहुत प्रयास करते हैं कि हमें सुनने वाले लोग दूसरे को ना सुने। ये दृष्टि किनकी है, जो संस्कारों को मान्यताओं को रिवाजों को धर्म के नाम पे मनवाते हैं और उसके विपरीत आचरण को कर्म बंधन के नाम पे निषेध करवाते हैं, उनकी ऐसी दृष्टि है। इसीलिए हमने कहा जिन धर्म को जानने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, जो मान्यताओं को जानते हुए लोग बहुत है, अपनी अपनी मान्यताओं का पोषण करने वाले लोग बहुत है,
अपने अपने मान्यताओं की ट्रेनिंग देने वाले, टीचिंग देने वाले, शिविर लगाने वाले, संस्कार शिविर के नाम पर अपनी मान्यताओं का जामा परोसने वाले और दूसरों के दिमाग में अपनी मान्यताओं के सॉफ्टवेयर फीड करने वाले बहुत है। जो कहते तो यही है, धार्मिक संस्कार शिविर, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, और वो धार्मिकता न सिखा करके अपनी मान्यताओं को दिमाग में फिट करना सिखाते हैं। बुरा मत मानना, बुरा मानो तो मत कामना, क्योंकि अधिकांश दुनिया ऐसे ही कर रही है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने छोटे से बच्चे को ही बचपन में ही कितने सारे सॉफ्टवेयर दिमाग में फीड करवा दिया है। वो जो बड़ा होगा दुनिया को उन्हीं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देखा करेगा, वो यही कहा करेगा ये करो तो कर्म बनता है, ये करो तो कर्म कटता है। अब करने का मन करता है क्योंकि लोग सब करते हैं तो मैं क्यों ना करूँ, और इस तरह से वो हमेशा वेवरिंग माइंड ही बना रहेगा। क्या करना? कुछ नहीं करना, जानना। कैसे जानना? खुद से जानना, खुद से जानो। जैन धर्म वो बात कह रहा है कि बंधन भी भीतर है और मोक्ष भी भीतर है, और दोनों ही, जो बंधन और मोक्ष होता है वो कर्म करने से या नहीं करने से नहीं होता। कई बार तो कर्म नहीं करना भी बंधन का कारण बन जाता है। जैसे कर्म करना बंधन का कारण है, वैसे सही समय पे कर्म नहीं करना भी बंधन का कारण बन जाता है। तो नहीं करना और करना, इन दोनों से मुक्त होकर के मात्र जानने से मुक्ति होती है। लेकिन हम लोगों को यह नहीं पता कि नहीं करना और करना दोनों से मुक्त कैसे होना। या तो हमको नहीं करना समझ में आता है या हमको करना समझ में आता है, और दोनों को जानना वो तीसरा रास्ता है। दोनों को जानना महत्वपूर्ण है, नहीं करने को भी जानना और करने को भी जानना, और तब क्या होगा कि जो आवश्यक क्रिया होगी वो सहज अंदर से घटित हो जाएगी, और जो अनावश्यक क्रिया होगी वो विवेक के प्रकाश में घटित नहीं हो सकेगी, छूट जाएगी। उस विवेक को जगाने के लिए जिन धर्म को, जिन सूत्रों को, उनके मूल अर्थों में सुनो, मूल अर्थों में समझो। अगर मूल अर्थों में समझने वाले लोग में हर युग में थोड़े ही होते हैं, लेकिन एक बार समझ लिया तो सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। फिर दुनिया के किसी धर्म के समुदाय, संप्रदाय, पंथ, परंपरा में से गुजर जाओ, सब सबको पता लग जाएगा कि ये इस व्यक्ति की ये मान्यता है और ये सत्य। अब क्या करें, मान्यताओं में ही सत्य भी परोसा गया है, लेकिन वो सत्य को सत्य रूप में नहीं, मान्यता के रूप में परोसा गया। तो दोनों में भेद करना पड़ेगा। जैसे हम फल खाते हैं तो फल में से गुदा का हिस्सा खा लेते हैं, छोड़ने लायक को छोड़ देते हैं, कभी छिलकों को छोड़ते हैं, कभी अंदर की गुठली को, बीजों को छोड़ देते हैं। इसी तरह से दुनिया में प्राप्त होने वाली हर धर्म की व्याख्याओं में भी हमें फल की तरह काम में लेना पड़ेगा, कभी छिलकों को छोड़ना पड़ेगा, कभी अंदर के बीजों को छोड़ना पड़ेगा, और बीज के गुदे को ढूंढ करके निकाल करके खाना पड़ेगा, और ये मेहनत हमको करनी पड़ेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को एक यात्रा खुद ही करनी होती है, उसकी वह यात्रा कोई अन्य करके नहीं दे सकता, क्योंकि उसको जो मिलता है वो दुनिया में सब कुछ पूरा फल मिलता है। अब पूरे फल में से हमको जरूरत की चीज निकालनी है और बाकी की चीज को छोड़ना है। इसीलिए बिना विवेक के ये धर्म की यात्रा संभव नहीं हो सकती है, बिना विवेक के ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। और हम सोचे कि कोई और कह दे और हम मान लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, तो सदियों से हुआ नहीं और आगे होगा नहीं, हम सदा कंफ्यूज बने रहेंगे। अब वो जो कहते हैं प्रश्न उठा दिया तो शंका पैदा हो गई, और शंका पैदा हो गई तो दोष लग गया, वे लोग जानते ही नहीं कि जहां तक मान्यता रहेगी वहां तक तो शंका मौजूद ही रहेगी। मान्यताओं में शंका सदैव मौजूद रहती है, आज नहीं तो कल हमारे से ज्यादा बलिष्ठ मान्यता वाला व्यक्ति, दृढ़ मान्यता वाला व्यक्ति जब सामने आ जाएगा और वो कहेगा मेरी इस मान्यता की वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है, तुम्हें क्या मिला तुम्हारे धर्म मानने से, तो हम हिल जाएंगे। फिर हम कहेंगे यार उसका धर्म ज्यादा अच्छा है, और तब क्या करेंगे, विचिकित्सा में चले जाएंगे। विचिकित्सा यानी दिमाग के अंदर द्वेद पैदा हो जाएगा, द्वंद पैदा हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएंगे, संशय पैदा हो जाएंगे, और दिमाग ये सोचने लग जाएगा ये ठीक है कि वो ठीक है, ऐसा कर लूँ कि वैसा कर लूँ। तब हम क्या विचिकित्सा करेंगे कि जिनको मानते हैं उनके सामने प्रिटेंड करेंगे कि आप सब कुछ हो, और जहाँ शंका पैदा हो गई वहाँ जाकर के चुपके चुपके जानने की कोशिश करेंगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, कभी एक साधु भगवान के सामने दूसरा आचार, दूसरे बात साधु भगवान के सामने दूसरा आचार, और इस तरह से हम सारी जनता विचिकित्सक बनी रहेगी। फिर मतलब क्या, विचिकित्सा का मतलब जैसा मुखड़ा देखा वैसा तिलक लगाया, जहां जैसा देश वैसा भेष,
वी चिकित्सा में हम ऐसा किया करेंगे कि यहाँ हमको इस समझौता करना है, ये प्रयोजन सिद्ध करना है तो यहाँ ऐसा कर लो, वहाँ हमको इनको खुश करना है, इनको राजी करना है, ये ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कार्य करो तो हम वहाँ वैसा कार्य कर लेंगे, और इस तरह से हम सदा वी चिकित्सक बने रहेंगे और हमें आत्मधर्म यानी आत्म शांति और आत्मज्ञान और मुक्ति की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जनरली लोग यही करते हैं, साधु साधु को मनाते हैं, पत्थर पत्थर को मनाते हैं, एक दूसरे को पूजा करते हैं और ये सोचते हैं यहाँ ये पालू वहाँ से वो पालू, यहाँ से ये मिल जाए वहाँ से ये वो मिल जाएगा, मेरे को सब राजी हो जाएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिनको राजी करने से अपना कल्याण मान रहे हो उनको राजी होना, अगर उनका राजी होना तुम्हारे पर डिपेंड करता है और हमारे कार्यों पर डिपेंड करता है तो उनके राजी होने में उनका राजापना ही नहीं है, यानी वे मालिक ही नहीं है तो उनके राजी होने से हमारा किसका कल्याण हो जाएगा। राजी तो वह जो खुद राजा हो, और जो अपने आप का राजा हो उसके राजी होने की परवाह हमें करने की ज़रूरत नहीं, जो खुद ही खुद का राजा नहीं उसके राजी होने की हम परवाह करते हैं, यानी जो खुद ही किसी और पे डिपेंडेड है उसके राजी होने की परवाह करते हैं और उसके राजी होने से मानते हैं कि हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा तो कैसे कल्याण हो जाएगा। और इस तरह से सब लोग पूरी सदियाँ इसी तरह से बीत जाती है और हम सब भी चिकित्सक ही बने रहते हैं, समकित हो ही नहीं पाते। समकित होने के लिए मूल को जानो, पत्तियों को मत पकड़ो, छिलकों को मत पकड़ो, मूल तक पहुंचो। मूल क्या है, जिन धर्म क्या कह रहा है, सूत्रों को पढ़ना पड़े तो पढ़ना, खोजना पड़े तो उसमें से खोजना, नहीं तो उस व्यक्ति के पास जाना जिसको मूल से ज्ञान हुआ है, सत्य का ज्ञान हुआ है, उससे जाकर के पूछना, जिसके लिए सारे धर्म बाहर की चीजें हो गई, जो अपने आप के धर्म को उपलब्ध हुआ उसको आत्मज्ञानी बोलते हैं। जो बाहर के धर्मों को फॉलो करता है वो तो हम सब है, जिसको अपना धर्म मिल गया, अपने भीतर सत्य प्रकट हो गया, जिसको अब किसी धर्म में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस जिस धर्म में जी रहा है, जिस धर्म में पैदा हुआ उससे भी उसको कोई प्रयोजन नहीं रहा, जिसको अपना धर्म मिल गया उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। लोग कई सवाल करते हैं आत्मज्ञानी का मतलब क्या, और जो आत्मज्ञानी था वो जैनी था या नहीं था, अब क्या मतलब हुआ, आत्मज्ञानी जैनी होने से क्या प्रयोजन रहा। जो आत्मज्ञानी हुआ उसने अपना धर्म पा लिया, अपना सत्य पा लिया, उसने धर्म के मूल को जान लिया, उसके बाद में कितने ही फैलाव कर लो वो सारे फैलावों में उलझता ही नहीं है, क्योंकि उलझने का कोई कारण ही नहीं बचा, अपना धर्म प्रकट हो गया, उसका नाम आत्मज्ञानी। तो हम लोग क्या मानते हैं, ऐसा आत्मज्ञानी तो कोई एकाद हो सकता है, या हुआ भी होगा या नहीं होगा, पर हम तो हो ही नहीं सकते, हम तो केवल धर्म को मान सकते हैं। हमें धर्म को मानना नहीं है, हमें अपने धर्म को जानना है, अपनी सत्ता को अपनी स्थिति को पहचानना है, आत्मज्ञानी होना है। हम में से हर एक को आत्मज्ञानी होना है, नहीं तो हम जिंदगी भर उलझते चले जाएंगे। जो कोई अच्छे लच्छेदार भाषण करता होगा हम चले जाएंगे उसको सुनने के लिए, फिर तालियां बजा के लौट आएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा भाषण था, आया गया क्या, हुआ क्या, एक घंटा टाइम पास हो गई, मनोरंजन हो गया, अच्छे चुटकुले सुनने को मिल गए, उसने खूब हंसाया, हम खूब हंस लिए, एक घंटा कहाँ चला गया, हमारा साहब जी सामयिक कहाँ आ गई पता ही नहीं चला, सामयिक कहाँ आ गई, ना तो बेचारी आई थी ना वो गई थी, पर लोग कहते हैं सामयिक आ गई पता ही नहीं चला, बस प्रवचन अच्छा लग गया था हमारा कल्याण हो गया। अरे आत्मज्ञानी हुए बिना कल्याण नहीं होता, और आत्मज्ञानी का मतलब किसी धर्म को फॉलो करना नहीं है, आत्मज्ञानी का मतलब मूल को जानो, खुद को जानो, खुद को जानने में ये सूत्र मदद करते हैं, इसलिए जैन धर्म महान है। लेकिन हम इस महानता का खाली मुखौटा ओढ़ते हैं, महानता का नारा लगाते हैं और धर्म को कभी जानते ही नहीं है, इसलिए जो बोलते महान है वो तो झूठे हैं और जो जानता है वो बोलता ही नहीं है, वो कहता है बोला नहीं इस दुनिया के अंदर, मैंने बोल दिया तो लोग स्टाम्प समझेंगे और इसको लेकर के लड़ पड़ेंगे। और जो व्यक्ति अपनी मान्यताओं में बहुत ज़्यादा निष्ठा रखता है वो व्यक्ति अक्सर उतना ही ज़्यादा हिंसक बन जाता है, क्योंकि वो दूसरे को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता, दूसरे की मान्यताओं का तुरंत प्रतिकार कर लेता है और दूसरे की मान्यताओं के विरोध में ही सदैव बंदूक ताने रहता है, अपने तर्क तैयार रखता है। बोला पुराने जमाने में तर्कश में तीर रखे जाते थे कि अचानक कोई भी जानवर आ गया तो आक्रमण करने के लिए तर्कश में तीर लेकर के ही घर से बाहर निकलो, इसी तरह से आज हम सब लोग दिमाग के अंदर तर्कों के तीर रखते हैं, और हमारी मान्यता के विपरीत कोई मान्यता वाला मिल जाए तो तर्कों के तीर दागना शुरू कर देते हैं कि आप क्या कहते हो, हमारा साहब बहुत ज्ञानी है, अगर ज्ञानी है तो वो पंखे के नीचे क्यों बैठते, ज्ञानी है तो वो लाइट के नीचे क्यों बैठते,
ज्ञानी है तो लाइट और पंखे का क्या संबंध हुआ? लेकिन उनके तर्कश में तीर तैयार है कि ज्ञानी तो वो होता है जो शहरों में रहकर के जंगलों की तरह रहता है। अब उनके अपने तर्क की अपनी मान्यता है, और जो उसके विपरीत तर्क वाले हैं वो कहेंगे तुम्हारे साधु ज्ञानी कैसे हो सकते हैं, ज्ञानी है तो समयानुकूल व्यवहार क्यों नहीं करते, ज्ञानी है तो देश जैसे देश में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग समझते क्यों नहीं है, वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप समाचारी क्यों नहीं निभाते। अब दोनों जगह एक दूसरे के प्रति तर्क प्रतितर्क का व्यवहार चलता ही रहेगा, और ज्ञानी कौन है ये कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी का इन सारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जानता है बंधन भी भीतर है और मोक्ष भी भीतर है। ज्ञानी जानता है कि मैं जब तक दूसरों के चलाए चल रहा हूं, दूसरों की दी गई सोच से दुनिया को देख रहा हूं, तब तक मैं ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों की सोच से दुनिया को देख रहे हो तब तक तुम ज्ञानी नहीं है। दूसरों की सोच को सुनो, उससे दुनिया को मत देखो। दुनिया को देखने के लिए अपनी दृष्टि के ऊपर आए हुए आवरण को हटाओ, अपनी दृष्टि पे हुए ऊपर आए हुए मान्यताओं और विचारों के आवरण को हटाओ, धारणाओं और परंपराओं के संस्कारों को हटाओ, तो ज्ञान प्रकट होगा। अब सवाल पैदा होता है ये आवरण कैसे हट सकते हैं, क्योंकि जिनके पास जाते हैं वो सब लोग एक नई तरीके का विचार का आवरण डाल देते हैं, एक नई तरीके की मान्यता परंपरा रिवाज और सोच पकड़ा देते हैं, और उनकी सोच जब सुनते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल राइट सोच है, और थोड़ी देर के बाद में जब उनके विपरीत सोच सुन लेते हैं तो लगता है यार ये भी उतनी राइट लग रही है। अब दोनों तरह की बातें में राइटनेस लगती है, अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे? शंका कांक्षा विचिकित्सा पर पाषण आकर्षण से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। तो हमारे शास्त्रों के अर्थ को बदलने वाले लोगों ने इतना महान कार्य कर दिया कि पर पाषण आकर्षण का अर्थ ये कर दिया कि अपने मत के सिवाय दूसरों के मत को सुनने जाने की इच्छा पैदा होना भी पर पाषण आकर्षण है। दूसरों के मत को सुनने भी मत जाओ, दूसरों के मत की जो शास्त्र है उनको पाप शास्त्र मानो, अपने मत के शास्त्र को ही बस महान शास्त्र मानो। और इस तरीके से पहले जमाने में भी शास्त्रों को शस्त्र बना करके एक दूसरे के साथ युद्ध किया जाता था, और आज भी। अब आज लोगों को ज्यादा शास्त्रों से मतलब नहीं है तो विचारों से मतलब है, क्योंकि शास्त्र तक तो कोई पढ़ने नहीं जाता, लेकिन तर्क सबके दिमाग में रहते ही है और वो तर्क से प्रतितर्क करते रहते हैं, और इस तरह से इन विवादों का कोई अंत नहीं है। ज्ञान प्रकट करने की बात है, और ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करें, अगर सवाल यह है तो ज्ञान प्रकट करने के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। किसी एक व्यक्ति से प्रार्थना मत करो, इस सृष्टि में मौजूद ज्ञानी भगवंतों से प्रार्थना करो, चाहे वो हमारी दृष्टि में सामने है या नहीं है, कि हमारी प्रार्थना उन ज्ञानियों के लिए हो जो आत्मज्ञानी है, हमारी प्रार्थना उन ज्ञानियों के लिए हो जो मुक्त ज्ञानी है, हमारी प्रार्थना उनके लिए है जिन्होंने आत्मस्वरूप को जान लिया है, जो बाहरी सारी बंधनों से अपेक्षा मुक्त हो गए हैं। बंधन उनको भीतर में प्रभावित नहीं करते, दुनिया में देखने के लिए तो बंधन होते ही हैं, क्योंकि कोई भी आदमी दुनिया में जी रहा है तो कपड़ों के बंधन में तो होगा, घर के बंधन में होगा, परिवार के बंधन में होगा, नाम के बंधन में होगा, गोत्र के बंधन में होगा, वो सब बाहरी बंधन है। भीतर में जिसके कोई बंधन का भाव नहीं बचा, जिसने कोई बंधन के लेकर के दुख और पराधीनता नहीं बची, वो ज्ञानी, उसको प्रणाम करो। अब बात ये हम कैसे पहचानेंगे, हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु आप हमें बोधि दो, हे सद्गुरु हमारे भीतर ज्ञान दृष्टि जगाओ, हम इस जिन धर्म के मूल तथ्यों को सत्यों को अपने भीतर अनावरित कर सकें, धर्म के सूत्रों को अपने भीतर अनावरित कर सकें, ऐसी प्रार्थना करो। ये ज्ञान जो आप में प्रकाशित हुआ, उस ज्ञान का प्रकाश आपकी कृपा से मुझ पे भी प्रकटे, मेरे भीतर से भी वो ज्ञान का प्रकाश उजागर हो। जैसे ही प्रार्थना की, परम तत्व से प्रार्थना की, ज्ञानी से प्रार्थना की,
इस सृष्टि में मौजूद गुरु भगवंत के साथ, ज्ञानी पुरुषों के साथ हमने अपना भाव जोड़ दिया। भाव जोड़ने मात्र से, विनय के साथ जैसे ही हमने ज्ञानी का आह्वान किया और ज्ञानी को प्रणाम किया, वैसे ही उन ज्ञानियों की निगाह हम पर भी आ गई और बिना कुछ किए ही हमारा स्तर बदलने लग जाएगा। क्योंकि हम जानते नहीं करना क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, ज्ञानी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और सविनय निवेदन करता हूँ, हे ज्ञान गुरु, आप हमारे भीतर भी ज्ञान की ज्योति जगा दो। मैं ना सोचूं, मैं ना समझूं, गुरु जेहन में बस जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं कुछ सोचूंगा नहीं, कुछ समझूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास में बुद्धि कहाँ समझ सकूं, तर्क ही तर्क है यहाँ पे, सोचू कहाँ, सोच सारी उधार है। और मैं अपने से जान लूं, अगर ऐसा होता तो मैं जान ही चुका होता, इसीलिए मैं नहीं जान सकता हूं, पर आप कृपा कर दो, ये ज्ञानी से प्रार्थना पैदा करो। जिस पल ज्ञानी के प्रति प्रार्थना पैदा होगी, उसी पल हमारे भीतर ज्ञान का आवरण खिरने लगेगा। ज्ञान का आवरण कितना भी घनीभूत आवरण है, प्रार्थना की शक्ति से ज्ञान का आवरण ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाएगा, जीना होने लग जाएगा, खिरने लग जाएगा। ज्ञानावरणीय कर्म में छेद करना है, प्रार्थना पर्याप्त है। ज्ञानी से प्रार्थना होगी, ज्ञान का आवरण दूर हो जाएगा। उन्हें से प्रार्थना करना, मैं नहीं जानता सत्य क्या है, पर आप सत्य रूप हो, आप सत्य का जाज्वल्यमान सूर्य रूप हो, आप हमें दृष्टि दो, हमें दर्शन दो, हमारे भीतर आत्मवेद हो, हम खुद को देख पाए, महसूस कर पाए। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध परमात्मा, मुझे सिद्धि दिखाओ, ये प्रार्थना है। जैसे यह प्रार्थना जागेगी, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, दर्शनावरणीय कर्म दूर होने लग जाएगा। दर्शन मोहनीय कर्म को दूर करना है और दर्शनावरणीय कर्म को दूर करना है, ये लोगस्व का पाठ इस प्रार्थना के साथ किया जाए। सिद्धों की स्तुति इस भावना के साथ की जाए, हे सिद्ध परमात्मा, मुझे सिद्धि दिखाओ। बस ये अरहंत और सिद्ध परमात्मा से हमने प्रार्थना की, अरहंतों से अरहत तत्व मांगा, ज्ञान मांगा, सिद्धों से सिद्धि मांगी, दर्शन मांगा। ज्ञान गुण और दर्शन गुण की हमने अरहत और सिद्ध इन दोनों से प्रार्थना करते हुए भावना भाई, प्रार्थना करते हुए उन्हीं से अरहत स्वरूप के प्रकट होने की मांग करी, सिद्ध स्वरूप के प्रकट होने की मांग करी, ये प्रार्थना हमारे भीतर की सारी अवस्थाओं को, पुरानी सारी अवस्थाओं को बदल देगी। और तब कोई न कोई साक्षात गुरु, प्रकट गुरु हमारी जिंदगी में भी आएगा। जब हम अप्रकट गुरुओं को वंदना करते हैं, अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष समझ करके वंदना करते हैं, तो हमारी जिंदगी में प्रत्यक्ष गुरु स्वयमेव आता है। क्योंकि वह जो प्रत्यक्ष गुरु इस दुनिया में मौजूद है, उसको चलाने वाले वो अप्रत्यक्ष गुरु जो देवी लोकों में मौजूद है, वे उसको स्वयं वहां भेज देते हैं जहां प्रत्यक्ष गुरुओं की जरूरत होती है। इसीलिए गुरु सदा अक्रम होता है, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, आज किससे मिलना है, क्या बोलना है और कहाँ पे आहार करना है, उसे कुछ नहीं पता। इसलिए साधु को कहा गया कि वह अपने से बोले ही नहीं, अपने से गोचरे के नियम निर्धारित करे ही नहीं, क्योंकि उसको उसने चलाना है और जिसने चलाना है वो जहाँ भेजना चाहता है वहाँ भेजेगा। अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि यहीं जाना है, तो वो जहाँ भेजना चाहता है वहाँ भेज नहीं सकेगा। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि यही बोलना है, तो वो जो बोलवाना चाहता है वो बोलवा नहीं सकेगा। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कल यहीं पे जाना है, उसी जगह पे जाकर के चातुर्मास करना है, उसी जगह पे रह करके प्रवास करना है,
वो जहाँ भेजना चाहता है भेज नहीं सकेगा। इसलिए साधु को कहा योजना ना बनाए। ये साधु के लिए सत्य बात है, बिल्कुल भी योजना ना बनाए। प्रार्थना करने वाले के लिए सत्य बात है कि कल की चिंता ना करे, क्योंकि अगर प्रार्थना करने वाले ने कल की चिंता कर ली तो वो ऊपर वाला तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकेगा। उसको पता है कहां भेजना है, कहां मिलाना है, किससे जुड़वाना है, क्या खिलाना है। इसीलिए अपनी ओर से कुछ भी डिसाइड नहीं करना। बड़े हैरानी होती है कई लोगों को जब आचारांग सूत्र के अंदर ये उल्लेख देखने और सुनने में मिलता है तब, कि साधु वह होता है जो अप्रतिज्ञ होता है। अप्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा ही नहीं करता, अप्रतिबद्ध विहारी होता है, जो विहार के लिए कोई प्रतिबद्धता ही नहीं रखता कि यहाँ जाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा, विचरण के कोई नियम निर्धारित नहीं करता, अप्रतिबद्ध विहारी होता है वह साधु होता है। अब ये बात ही समझ में नहीं आती लोगों को, ये साधु अप्रतिबद्ध कैसे होगा। साधु के तो सब योजना बनानी पड़ेगी कि नेक्स्ट चतुर्मास कहाँ करना है, ये कल कहाँ जाना है, किसके घर आहार लेने जाना है। जैसे योजना बनाई अब साधु को वो चलाने वाला जो है ना ऊपर बैठा हुआ, उसको जहाँ भेजना था वहां भेज नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो अपनी दृष्टि पे आवरण डाल दिया, उसने अपने ज्ञान पर आवरण डाल दिया, उसने अपने आचरण को नियमों में बांध दिया। जैसे ही आचरण नियमों में बंध गया अब परम नियम में वहां काम नहीं दे पाएगा। और परम नियम क्या है कि बिना किसी नियम के जियो। परम नियम क्या है कि ज्ञान और दर्शन की आंख खुली रहे, इसके सिवाय कुछ मत सोचो। जो सामने आया है उसको देखो, जो सामने आया है उसको जियो, उसको अटेंड करो। परम नियम यह है कि कोई प्रकार के मन में नियमावली मत बनाओ। अपने आप को नियमों में बांधना अंतराय है। केवल ज्ञान और दर्शन से जियो, जागते हुए जियो, नियम स्वयमेव घटित होंगे। ज्ञान और दर्शन कब प्रकट होंगे? प्रार्थना से, सच्चे मन से प्रार्थना हो जाए ज्ञानी से, अरहत परमात्मा से, सिद्धों से सिद्धि की प्रार्थना हो जाए। ये प्रार्थना है लोगस्य का पाठ, ये प्रार्थना है नमोत्थूणम का पाठ। और प्रार्थना में प्रणाम घटित होता है। प्रार्थना शुरू ही प्रणाम से होती है, अंत भी प्रणाम में होती है। इसीलिए नमो, झुकना, झुकना विनय का भाव, वही प्रार्थना है। धन्यवाद का भाव जागा, वही प्रार्थना है। आभार, अहो भाव, प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमको बदल देगी। और प्रार्थना करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास शब्द कैसे हैं। किसी को लोगस का पाठ नहीं आता तब भी चलेगा, नवोकार मंत्र याद नहीं है तब भी चलेगा। दुनिया में आप किसी धर्म पंथ समाज में सदस्य बने हुए हो, उस परम से प्रार्थना करो। वो परम जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ज्ञानी पुरुष कहता है, कोई सद्गुरु कहता है, वो सब एक है, वहां कोई भेद नहीं है। वहां कोई भेद ही नहीं है। भेद केवल हमारे शब्दों में है, हमारी सोच में है, हमारी वोकैबुलरी में भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। इसीलिए हम जिस मर्जी वर्ड से करें लेकिन भाव उस परम के प्रति प्रार्थना का हो। और जैसे ही उस परम के प्रति प्रार्थना जागेगी, ये सारी मान्यताओं के परे एक निरपेक्ष दृष्टि पैदा होगी। और उस दृष्टि में पास कोई शब्द नहीं होगा, इसीलिए आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन समझाना चाहो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए साधकों को कहा गया कि समझाओ मत, बोलो मत, कहो मत, खुद से मत कहो। वो कहलवाना चाहेगा उस दिन तुम्हारे मुंह से शब्द निकले, खुद से जब कहने जाओगे तो ऐसा ही लगेगा कि तुम फिर निर्बंध चेतना को शब्दों में बांध रहे हो। खुद से मत कहो, वो कहलवाना चाहे और शब्द निकलवाना चाहे तो निकले, खुद से कहने चाहोगे तो कहीं ना कहीं फिर दंभ पैदा हो जाएगा। दंभ पैदा ही मत होने दो। इसीलिए अप्रतिज्ञ रहो, बिना किसी शर्तों के जियो, बिना किसी प्रतिबद्धता के जियो, बिना किसी लगाव और योजना के जियो। तब क्या होगा, जो सामने से आना है वो स्वयमेव आएगा। इस परम सत्य को जानो और इसको जानने में जरा भी देरी मत करो।
मत सोचो कि हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे जी सकते हैं, हम तो बड़े साधारण आदमी हैं, तो ज्ञानियों की बातें हैं। अरे वही ज्ञानियों की बातों से हमारा संबंध बने, हम कितने ही साधारण आदमी एक पल के अंदर बदल जाएंगे। एक पल लगेगा बदलने में, एक क्षण लगेगा बदलने में। दुनिया देखेगी ना देखेगी, आप खुद देखोगे कि आपकी चिंता छूट गई, क्योंकि प्रार्थना जग गई। प्रार्थना जिसके भीतर पैदा हो गई वो कल की चिंता कर ही नहीं सकता, और जो कल की चिंता में डूबा हुआ है उसके भीतर प्रार्थना पैदा हो ही नहीं सकती। प्रार्थना जिसमें पैदा हुई है उसे योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने दिल से प्रार्थना कर ली और वो जानता है कि जो होना है उस परम की दृष्टि से मेरे लिए जो उचित है वही मेरे साथ होगा, जो मेरे द्वारा उचित होना है वही मेरे द्वारा होगा, मैं अपनी ओर से कुछ करता ही नहीं। इसको कहते अकर्ता भाव में जीना, ईगो लेस हो जाना। अब भीतर में से कुछ ऐसा कल्प खिरना बाकी है, कृष्ण के भीतर से कुछ ऐसा कल्प खिरना बाकी है कि उससे युद्ध करवाना है तो युद्ध भी करवा लेगा, लेकिन अपनी ओर से वो कुछ नहीं करेगा। अपनी ओर से हम कुछ नहीं करें इसका नाम करता है। बाहर में तो क्रियाएं होंगी लेकिन हमारा प्रतिबद्धता उस क्रिया के प्रति रहेगी ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रार्थना ने भेद विज्ञान पैदा कर दिया। प्रार्थना ने ये भेद प्रकट करवा दिया है कि मुझे नहीं करना है, अब उस परम ने मेरे द्वारा कुछ करवाना है तो करवाए। उस परम के साथ जुड़ने का नाम, जुड़ने का नाम प्रार्थना है। इसलिए प्रार्थना में उस परम तत्व से जुड़ते हैं। प्रार्थना जरूर हो, भावों से हो, शब्द कोई भी हो, भावों से भावना यह हो कि उस परम तत्व को मेरा प्रणाम, उसके साथ उसके ज्ञान को प्रणाम, बस वही मुझे ज्ञान दृष्टि दे, उसके दर्शन को प्रणाम, मेरे भीतर दृष्टि जगाए। हे सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि दिखा दो, सिद्धि की दर्शन करा दो। जब भीतर दर्शन आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, बिना किसी आकार का आएगा, और अंदर में जो परिवर्तन होगा वो बिना आकृति का होगा, और बाहर में जो परिवर्तन होएगा उसमें लोग देखेंगे अरे ये सब कुछ कैसे बदल गया। वो बाहर के आकार है, अभिव्यक्ति में आकार आएगा, भीतर में निराकार होगा। जो भीतर में निराकार जीते हैं वो बाहर किसी आकृतियों में नहीं बंधते, इसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष भीतर होता है। भीतर में आकृतियां खत्म हो जाएगी, बाहर में तो आकृति रहेगी, भीतर में खत्म हो जाएगी, इसका नाम मोक्ष है। और ये मोक्ष इसी जीवन में गतित होना है। मत सोचो कल कभी होगा, मत सोचो हमको कैसे हो सकता है, हम सबको हो सकता है, इसी जीवन में गतित हो सकता है। मान्यताओं में मत उलझना, प्रार्थना करना ज्ञान की, प्रार्थना करना दर्शन की, प्रार्थना करना सत्य की। लोग प्रार्थना भी करते हैं तो ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं कि हे भगवान मुझे अगले जन्म में साधुता मिले, मैं साधु बन जाऊं। मैं कहती हूँ साधु बनने की प्रार्थना मत करो, सिद्ध होने की प्रार्थना करो। फिर क्यों मार्ग में बंध रहे हो? मार्ग में मत बंधो, प्रार्थना उसकी करो जो परम है। और परम क्या है? हमारा सिद्ध स्वरूप। परम है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान उजागर हो ये प्रार्थना करो, बाना मिले ये प्रार्थना मत करो। कई लोग कहते हैं मुझे बाना मिले, साधु का बाना मिले, मैं साधु का बाना पहन करके मरूं। अरे गलत प्रार्थना कर रहे हो। साधु का बाना पहन करके मरने में कोई बड़ी बात नहीं है। कफन का कलर अक्सर सफेद ही होता है, उसे क्या लेना देना। बाने में कुछ नहीं ज्ञान पड़ा है। ज्ञान जागे ये प्रार्थना हो, दर्शन जागे ये प्रार्थना हो, और हर दिन हो, कभी भी हो, हर दिन हो। सुबह आँख खुले तब हो, रात नींद आए तब हो, बस सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु नमो अरहंता। हे अरहंत प्रभु, जैसे आप में ज्ञान प्रकटा, आप मुक्त हुए, मेरे भीतर भी आपका ज्ञान प्रकाशित हो, मुझ में भी ज्ञान प्रकट हो, मैं भी मुक्त हो जाऊं। बस इतनी सी प्रार्थना करके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। नमो अरहंताणम बोलो तो अरहंतों से ज्ञान की भावना भाना, नमो सिद्धाणम बोलो तो सिद्धों से दर्शन की भावना भाना। वो भावना भाना ही प्रार्थना हो जाएगी। अरहंतों से ज्ञान, सिद्धों से दर्शन की भावना भाई प्रार्थना हो गई, वो प्रार्थना मुक्त करेगी। कैसे करेगी ये कोई नहीं जानता,
बस वो मुक्ति हम सब में घटित हो जाए, यही हमारी मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।